संगीत विशारद लेसन 25 रागों के लक्षण राग भेद। प्राचीन ग्रंथों में रागों के तीन भेद बताए गए हैं, पहला शुद्ध, दूसरा छायालग और तीसरा संकीर्ण। शुद्ध, जिस राग में अन्य किसी राग के स्वर लगने पर भी उसकी छाया ना पकड़ने पाए उसे शुद्ध राग कहते हैं। छायालग, दो रागों के मेल से अथवा किसी एक राग में अन्य किसी राग के स्वर आ जाने से दूसरे राग की जो छाया दिखाई दे जाती है ऐसे राग को छायालग राग कहते हैं, इसे सालांग भी कहते हैं। संकीर्ण, जिस राग में दो रागों से अधिक रागों का मिश्रण या मिलावट हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। राग के नियमों में वादी, संवादी आदि स्वरों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो निम्नलिखित श्लोक से प्रकट है। वादी स्वरस्तु राजा स्यानम्री संवादिस्ते स्वरो विवादी बैरी स्यादनुवादी चा भित्वते। अर्थात वादी स्वर को राजा के समान, संवादी स्वर को मंत्री के समान, विवादी स्वर को बैरी यानी दुश्मन के समान तथा अनुवादी स्वर को सेवक के समान समझना चाहिए। वादी, राग में लगने वाले स्वरों में जिस स्वर पर सबसे अधिक जोर रहता है अथवा जिसका प्रयोग अधिक या बार बार किया जाता है उसे उस राग का वादी स्वर कहते हैं। संवादी, यह वादी स्वर का सहायक होता है, तभी इसे मंत्री की पदवी शास्त्रों ने दी है। यह वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों से अधिक प्रयुक्त होता है। वादी स्वर के नीचे चौथे या पांचवें नंबर पर संवादी स्वर होता है। अनुवादी, वादी और संवादी के अतिरिक्त जो नियमित स्वर राग में लगते हैं वे सब अनुवादी स्वर कहलाते हैं। विवादी, विवादी का वास्तविक अर्थ तो बिगाड़ पैदा करने वाला ही होता है, अर्थात ऐसा स्वर जिससे राग का स्वरूप बिगड़ जाए, इसलिए विवादी को शत्रु की पदवी शास्त्रों में दी गई है। इतना सब होते हुए भी कभी कभी राग में विवादी स्वर का प्रयोग ऐसी कुशलता से कर दिया जाता है जिससे कि राग में एक विचित्रता पैदा हो जाती है, जैसे यमन राग में दो शुद्ध गंधारों के बीच में शुद्ध माँ लगा दिया जाता है तो उसका सौंदर्य कुछ बढ़ ही जाता है। इस प्रकार विवादी स्वर का प्रयोग कुशल गायक करते हैं। आशय राग, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में प्रत्येक थाट का नाम उस थाट से उत्पन्न होने वाले किसी राग विशेष जन्य राग के नाम पर ही देखा जाता है। जिस जन्य राग का नाम थाट को दिया जाता है उसी को आशय राग कहते हैं, जैसे सा कोमल रे गा मा पा कोमल धा नी। इस स्वर समुदाय से विदित होता है कि यह भैरव थाट है। इसका नाम भैरव थाट इसलिए रखा गया क्योंकि इन्हीं स्वरों से और इसी थाट से प्रसिद्ध राग भैरव की उत्पत्ति हुई। इस स्वर इस प्रकार राग भैरव भैरव थाट का आशय राग हुआ। किसी भी थाट से उत्पन्न होने वाले रागों में आशय राग का थोड़ा बहुत अंश अवश्य दिखाई देता है, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आशय राग सभी जन्य रागों का उत्पादक है। जन्य रागों का उत्पादक तो थाट ही माना जाएगा। आशय राग को ही थाट वाचक राग भी कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कुल 10 आशय राग माने गए हैं जो नामांकित तालिका में दृष्टव्य है। ध्यान रहे कि थाट में केवल आरोह ही होता है तथा सातों स्वर पूरे होते हैं, किंतु
राग में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक है, चाहे स्वर साथ हो या कम। रागों का समय विभाजन। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों का प्रयोग काल, दिन और रात्रि के 24 घंटों के दो भाग करके बांटा गया है। पहला भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक और दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक माना जाता है। इनमें पहले भाग को पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तर भाग कहते हैं। पूर्व राग, जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उन्हें पूर्व राग कहते हैं। उत्तर राग, जो राग 12 बजे रात्रि से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं उन्हें उत्तर राग कहते हैं। पूर्व राग और उत्तर राग को ही प्रचार में पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी राग भी कहते हैं। यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि इनको पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी राग क्यों कहते हैं। सप्तक के साथ शुद्ध स्वरों में ता सप्तक का सा मिलाकर सा रे गामा पा धा नी सा, इस प्रकार स्वरों की संख्या 8 कर ली जाए और फिर इसके दो हिस्से किए कर दिए जाएं तो सा रे गामा यह सप्तक का पूर्वांग और पा धा नी सा यह सप्तक का उत्तरांग कहा जाएगा। पूर्वांगवादी राग, जिन रागों का वादी स्वर जब सप्तक के पूर्वांग अर्थात सा रे गामा इन स्वरों में से होता है तो वे पूर्वांगवादी राग कहे जाते हैं। ऐसे राग पर्याय दिन के पूर्व भाग यानी दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के समय में गाए बजाए जाते हैं। उत्तरांगवादी राग, जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात पा धा नी सा इन स्वरों में से होता है वे उत्तरांगवादी राग कहे जाते हैं। ऐसे राग पर्याय दिन के उत्तर भाग अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक ही गाए बजाए जाते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वर को जान लेने पर उस राग के गान वादन का समय ज्ञात हो जाता है। जैसे असावरी का वादी स्वर धैवत है अर्थात सप्तक का उत्तरांग स्वर है तो इसके गान वादन का समय भी प्रातः है अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो समय है उसी के अंतर्गत प्रातःकाल आ जाता है। यमन का वादी स्वर गंधार है जो कि सप्तक के पूर्वांग में से लिया हुआ स्वर है, अतः यमन राग के गान वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है जो कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के क्षेत्र में आता है, इसलिए यमन पूर्वांगवादी राग कहा जाएगा और आसावरी को उत्तरांगवादी राग कहेंगे। उपयुक्त विवेचन पर संगीत विद्यार्थियों को यह शंका होना स्वाभाविक है कि भैरवी में मध्यम वादी स्वर है जो कि सप्तक का पूर्वांग स्वर हुआ, फिर क्या कारण है कि भैरवी का गान वादन समय प्रातः बताया गया है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार भैरवी का गान वादन समय दिन का उत्तर भाग अर्थात 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक होना चाहिए। प्रातःकाल तो उत्तर भाग के अंतर्गत आता है, फिर भैरवी का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में से क्यों है। इसी प्रकार यह भी शंका हो सकती है कि कामोद में पंचम वादी है जो कि सप्तक का उत्तरांग स्वर है, फिर क्यों इसे पूर्व भाग में गाते बजाते हैं। उपयुक्त शंकाओं का समाधान यह है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में यद्यपि सारे गामा को सप्तक का पूर्वांग और पाधा नीसा को उत्तरांग कहा गया है किंतु कुछ पूर्वांगवादी तथा उत्तरांगवादी स्वरों को उपयुक्त वर्गीकरण में लाने के लिए पूर्वांग का क्षेत्र सारे गामा पा और उत्तरांग का क्षेत्र मापा धानी सा इस प्रकार बढ़ाकर माना गया है। इस प्रकार सप्तक के दो भाग करने से सा मा पा ये तीनों स्वर सप्तक के उत्तरांग तथा पूर्वांग दोनों भागों में आ जाते हैं
और जब किसी राग में इन तीनों स्वरों में से कोई स्वरवादी होता है तो वह राग पूर्वांगवादी भी हो सकता है और उत्तरांगवादी भी हो सकता है। ऊपरी वर्णित भैरवी और कामोद राग इसी श्रेणी में आ जाते हैं और कामोद में पंचमवादी होते हुए भी उसे पूर्वांगवादी राग कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही राग सप्तक के बढ़ाए हुए क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार अन्य कुछ राग भी इस श्रेणी में आकर अपना क्षेत्र बना लेते हैं। अतः जब किसी राग में वादी स्वर सा मा पा इनमें से कोई स्वर हो और यह बताना हो कि यह राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी, तो उस राग के गान वादन का समय देखकर तथा सप्तक के उत्तरांग और पूर्वांग भागों के दोनों प्रकारों को ध्यान में रखकर आसानी से बताया जा सकता है कि अमुक राग पूर्वांगवादी है या उत्तरांगवादी। स्वर और समय की दृष्टि से रागों के तीन वर्ग। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में समय सिद्धांत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यद्यपि प्राचीन रागों में एवं आवचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद है, जिनका कारण रागों के स्वरों में उलट फेर हो जाना है, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे प्राचीन संगीत पंडितों ने रागों को उनके ठीक समय पर गान वादन का सिद्धांत अपने ग्रंथों में स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों के तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों को के हिसाब से उनका विभाजन किया गया है। पहला संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल रे और कोमल धा वाले राग, दूसरा शुद्ध रे और शुद्ध धा वाले राग, तथा तीसरा कोमल गा और कोमल नी वाले राग। संधि प्रकाश राग ऊपर बताए हुए तीन अंगों में से प्रथम वर्ग अर्थात कोमल रे और कोमल धा वाले राग संधि प्रकाश रागों की श्रेणी में आ जाते हैं। ध्यान रहे, इस वर्ग में कोमल रे धा के साथ साथ तीव्र गा होना जरूरी है। यदि तीव्र गा के स्थान पर कोमल गा होगा तो वह तीसरे वर्ग में आ जाएगा। दिन और रात्रि की संधि अर्थात मेल होने के समय को संधिकाल कहते हैं। प्रातः सूर्योदय से कुछ पहले और शाम को सूर्यास्त से कुछ पहले का समय ऐसा होता है जिसे ना तो दिन ही कह सकते हैं ना रात्रि ही। इसी समय को संधि प्रकाश की वेला कहा गया है और इस वेला में जो राग गाए बजाए जाते हैं उन्हें ही संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे भैरव, कलिंगड़ा, भैरवी, कूर्वी, मारवा इत्यादि। संधि प्रकाश के भी दो भाग माने गए हैं, पहला प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और दूसरा सायंकालीन संधि प्रकाश राग। जो राग सूर्योदय के समय गाए बजाए जाएंगे वे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होंगे और जो सूर्यास्त के समय गाए बजाए जाएंगे उन्हें सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहेंगे। संधि प्रकाश रागों के मध्यम स्वर बड़े महत्व का है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में अधिकतर मध्यम कोमल यानी शुद्ध होगा और सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में अधिकतर तीव्र मध्यम मिलेगा। जैसे भैरव और कलिंगड़ा प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं क्योंकि इनमें शुद्ध मध्यम है, तथा पूर्वी और मारवा सायंकालीन संधि प्रकाश राग हैं क्योंकि इनमें तीव्र मध्यम है। संधि प्रकाश रागों की एक साधारण सी पहचान यह भी है कि उनमें धैवत स्वर चाहे कोमल हो या तीव्र, किंतु उनमें रे कोमल और गा नी तीव्र ही अधिकतर मिलेंगे। यद्यपि कोई कोई संधि प्रकाश राग इस नियम का अपवाद भी हो सकता है, जैसे भैरवी। शुद्ध रे धा वाले राग। रे धा शुद्ध वाले रागों के गाने बजाने का समय संधि प्रकाश काल के बाद आता है, क्योंकि संधि प्रकाश काल दिन में दो बार आता है। अतः इस वर्ग के रागों के गाने का समय भी 24 घंटों में दो बार आता है।
इसमें कल्याण, बिलावल और खमास ठाट के राग गाए बजाए जाते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के बाद गाए बजाए जाने वाले रागों में दिन चढ़ने के साथ ही साथ शुद्ध रे तथा शुद्ध धा की प्रधानता बढ़ती जाती है। इस प्रकार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक दूसरे वर्ग के अर्थात रे धा शुद्ध वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग में गा का शुद्ध होना आवश्यक है। साथ ही साथ इस वर्ग के रागों में मध्यम स्वर का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों में शुद्ध अर्थात कोमल मध्यम की प्रधानता रहती है, जैसे बिलावल, देशकार, तोड़ी इत्यादि, और शाम के 7 बजे से 10 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है, जैसे यमन, शुद्ध कल्याण, भूपाली इत्यादि। कोमल गानी वाले राग। इस वर्ग के रागों को गाने का समय शुद्ध रे धा वाले रागों के बाद आता है, अर्थात कोमल गानी वाले राग दिन में 10 बजे से 4 बजे तक और रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इस वर्ग के रागों की खास पहचान यह है कि उनमें गा कोमल जरूर होगा, चाहे रे धा शुद्ध हो या कोमल। इस वर्ग के रागों में प्रातःकाल आसावरी, जौनपुरी, गंधारी, तोड़ी इत्यादि राग गाए बजाए जाते हैं और रात्रि में यमन इत्यादि गाने के बाद जैसे जैसे आधी रात का समय आता जाता है बागेश्वरी, जय जयवंती, मालकोश इत्यादि राग गाए बजाए जाते हैं। यहाँ हम रागों के गाने बजाने की एक तालिका दे रहे हैं, जो कि रात्रि के प्रथम पहर के प्रमुख राग यमन से प्रारंभ होती है, क्योंकि गायक वादक प्राय यमन राग से ही अपना गायन वादन प्रारंभ करते हैं। इस तालिका में भैरवी को इसलिए छोड़ दिया गया है कि महफिल की समाप्ति प्राय भैरवी पर ही करने का रिवाज सा हो गया है। अतः भैरवी का गान काल यद्यपि प्रातः काल है, किंतु रात्रि के 1-2 बजे जब भी महफिल समाप्त पर हो भैरवी सुनाई दे जाती है। इसी प्रकार दिन में भी 1-2 बजे कभी कभी भैरवी सुनाई दे जाती है। तीव्र मध्यम वाले राग। पहला यमन, दूसरा शुद्ध कल्याण, तीसरा मालश्री, चौथा भूपाली, चौथा हिंडोल। इस राग के विषय में 2 मत प्रचलित हैं। रात्रि के हिंडोल में गंधार वादी होता है, किंतु प्रातःकाल गाने वाले धैवतवादी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि बसंत ऋतु में यह राग चाहे जिस समय गाया जा सकता है। 5 भूपाली, 6 जैत कल्याण, 7 हमीद, 8 केदार, 9 कामोद, 10 छायानट, 11 बिहाग, 12 शंकरा। तीव्र गा तथा कोमल नी वाले राग। 13 खमाज, 14 देश, 15 तिलक कामोद, 16 जय जयवंती। कुछ विद्वान जय जयवंती के पश्चात ही मालकोश गाने का समय बदलाते हैं। कोमल गा तथा कोमल नी वाले राग। 17 बागेश्वरी, 18 दरबारी, 19 अड़ाना, 20 पूरिया। इस राग को रात्रि का पूरिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरिया धनाश्री को पर्याय दिन का पूरिया कहा जाता है। 21 बहार, 22 मालकोश। यहाँ से तीव्र मध्यम का पुनः प्रयोग आरंभ हुआ। 23 वसंत, 24 परज, 25 सोहनी। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों से सायंकालीन संधि प्रकाश रागों तक का क्रम। 26 कलिंगड़ा, 27 जोगिया, 28 ललित, 29 रामकली, 30 भैरव, 31 विभास, 32 विभास, 33 अलैया बिलावल, 34 बिलावल के सब प्रकार, 35 देशकार, 36 तोड़ी,
37 असावरी, 38 जौनपुरी, 39 देसी, 40 सूहा, 41 शुद्ध राई, 42 सारंग, 43 सारंग के सब प्रकार, 44 गौड़ सारंग, 45 काफ़ी। कुछ विद्वान काफ़ी का समय मध्य रात्रि मानते हैं तथा कुछ के मतानुसार यह सार्वकालीन राग है। 46 भीमपलासी, 47 धनाश्री, 48 धानी, 49 मुल्तानी, 50 पूर्वी, 51 पूर्या धनाश्री, 52 श्री, 53 जैतश्री, 54 गौरी, 55 मारवा। जैत गाने के बाद प्रायः यमन राग गाने का समय फिर आ जाता है। इस प्रकार रागों की यह तालिका हमें बताती है कि पूरे 24 घंटे का चक्कर लगाकर एक आवर्तन समाप्त करके फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उक्त तालिका का यह अर्थ नहीं कि इसमें दिए हुए किसी राग के बाद अमुक राग गाना ही चाहिए। बहुत से गायक अपनी इच्छानुसार इनके क्रम में परिवर्तन करके गाते हैं तथा अन्य रागों का समावेश भी इच्छानुसार कर लेते हैं, किंतु राग के समय का ध्यान रखकर ही इन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय में कोई राग गाने बजाने से ना तो श्रोताओं पर उसका अच्छा प्रभाव होता है और ना राग से रसोपत्ति ही संभव है। यहाँ पर राग समय चक्र का एक चित्र भी दे रहे हैं, जिससे संगीत के विद्यार्थियों को यह विदित हो जाएगा कि संगीत के दिन और रात किस प्रकार होते हैं।